मुझे 4-5 साल से एसिडिटी गट की बीमारी है। कल मेरा सर्जरी हुआ, सर्जरी के जस्ट बाद ही मैं चलने घूमने फिरने लगा और उसके बाद मेरा लिक्विड डाइट चालू हो गया। 2 दिन के अंदर मुझे कोई तकलीफ नहीं हुई, मैं अच्छे से घूमा फिरा, खाया पिया और सोने में निगलने में कोई ज़्यादा विशेष तकलीफ नहीं हुई। अभी मैं बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ, मेरी अभी सभी दवाइयाँ भी बंद हो गई हैं और पहले मेरे को जो अस्थमेटिक समस्या थी सांस लेने में बहुत दिक्कत होती, उससे भी मेरे को बहुत आराम मिला है। मेरा नाम ओम प्रकाश पाटीदार है, मैं रतलाम जिले से यहाँ आया हूँ। पहले मैंने डॉक्टर साहब से ऑनलाइन कंसल्ट किया जिसमें सर ने बोला कि आप यहाँ आ जाइए, मतलब जिसमें आपका मैनोमीटर टेस्ट और पीएच स्टडी होगा, उसके बाद अपन फिर जांच कराने के बाद करते हैं कुछ। फिर यहाँ पे आया मैं और सर ने मुझे पीएच और इसोफेगल मैनोमीटर टेस्ट का सजेस्ट किया। पहले तो मैं काफ़ी डर रहा था कि ये कैसे हो पाएगा, क्योंकि मैं ऑलरेडी 4 या 5 साल से इस पीड़ा से ग्रसित हूँ। कभी मेरा खाना भोजन नली में ऊपर आ जाता था, खट्टी डकार आती थी और गले की समस्या से भी मैं कम से कम 3 साल से पीड़ित हूँ। मेरा टोन्सिल का ऑपरेशन भी हो गया, उसके बाद भी मेरे को खराश बनती रहती है और इससे मेरे को अभी महीने भर में अस्थमेटिक समस्या और नाक भी मेरा कभी कभी बंद हो जाता था। इन चीज़ों से जूझ रहा था मैं। फिर मैंने सर से मिला और मैंने इसोफेगल मैनोमीटर टेस्ट करवाया जो करीबन आधे घंटे का होता है। उसमें नाक से एक नली डालते हैं, उसमें अपने को थोड़ी थोड़ी देर में इंजेक्शन से पानी पिलाया जाता है। उसके बाद फिर सर ने बोला कि आपको पीएच करवाना पड़ेगा। मैंने फिर पीएच स्टडी भी करवाया। शुरुआत में मेरे को थोड़ी तकलीफ हुई, उसके बाद फिर मैंने अपने माइंड को डाइवर्ट किया, फिर मेरे को खाने निगलने में ऐसी कोई खास तकलीफ नहीं हुई। मैं फिर शाम को भी मैंने खाना खाया, सोया भी अच्छे से और सुबह फिर सुबह चाय वाय पिया, इसमें मेरे को कोई दिक्कत नहीं हुआ। और फिर मैं अभी उपमा भी खा के आया हूँ, जिसको खाने में भी मेरे को कोई ऐसी ज़्यादा परेशानी नहीं हुई। अभी मेरा टेस्ट पूरा होने वाला है, इसमें कुछ समय ही बाकी है, देखते हैं फिर आगे क्या सर क्या सजेस्ट करते हैं। हाय हेलो, मेरा नाम ओम प्रकाश पाटीदार है और मैं रतलाम ज़िले से हूँ। और जैसा कि पहले वीडियो में मैंने बताया था कि मेरी पीएच इम्पोर्टेंस स्टडी और मैनोमेट्री का टेस्ट हुआ, उसके बाद टेस्ट होने के बाद सर ने सजेस्ट किया कि आप सर्जरी करवा लीजिए, इसमें और कोई ऑप्शन नहीं है। तो फिर कल ही मैं यहाँ पे हॉस्पिटल में भर्ती हुआ, जिसमें मैं पहले काफ़ी डर रहा था कि सर्जरी कैसे होगी क्या है। तो बाकी मैं यहाँ पे सुबह भर्ती हुआ और 1:30 बजे शायद मेरा सर्जरी हो गया, मुझको कोई मालूम ही नहीं पड़ा। और मेरे को ये पता था कि मैं अंदर गया और आँख खुली तब बाहर आया, तब मेरे को पता चला कि मेरा सर्जरी हो चुका था। और उसके बाद मुझे यहाँ अलग रूम में लाया गया, उसके बाद मैं अच्छा काफ़ी कंफर्टेबल महसूस कर रहा हूँ। सर्जरी के 1-2 घंटे बाद इन लोगों ने मुझे चलवा लिया और मैं अच्छे से घूम फिर रहा हूँ। शाम को भी मैंने खाना खाया और अभी भी सुबह में भी मैंने नाश्ता किया, मेरे को खाना खाने में निगलने में कोई दिक्कत नहीं हुई और बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ। और पहले जो सांस की मेरे को दिक्कत आ रही थी वो भी मेरी समस्या का समाधान हुआ है। 2-3 चीज़ों से मैं ग्रसित था, उससे मेरे इस सर्जरी से मेरे को काफ़ी फायदा मिला है। और जिस मरीज को भी कोई तकलीफ हो है तो डरे नहीं और यहाँ पे चिराग सर से कंसल्ट करें और अपना सर्जरी अगर सर बोलते हैं तो करवा लीजिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। मेरा नाम ओम प्रकाश पाटीदार है, जैसा कि मैंने पहले बताया था कि मेरा सर्जरी होने वाला है। मेरा सर्जरी 3 रोज पहले हुआ है और उसके बाद मुझे छुट्टी मिल गया था हॉस्पिटल से। और फिर 2 दिन में सर ने मुझे बोला कि आपको फॉलोअप के लिए आना पड़ेगा। फिर 2 दिन में इधर ही रुका और 2 दिन के अंदर मुझे कोई तकलीफ नहीं हुई, मैं अच्छे से घूमा फिरा, खाया पिया और सोने में निगलने में कोई ज़्यादा विशेष तकलीफ नहीं हुई। और फिर मैं अभी यहाँ पे आया हूँ सर से फॉलोअप के लिए और फिर अभी मुझे मैं अभी घर जा रहा हूँ। मेरा नाम ओम प्रकाश पाटीदार है, मेरा 6 महीना पहले सर्जरी हुआ है, अभी 6 महीना कंप्लीट हो गए हैं। मैं वापस फॉलोअप के लिए आया हूँ सर के पास, अब मुझे कोई तकलीफ नहीं है।
मैं बहुत पहले से बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ। पहले मुझे अस्थमेटिक समस्या भी थी, उससे भी मेरे को छुटकारा मिला है और मेरी सारी दवाइयाँ भी बंद हो गई और मैं सारे डेली रूटीन के काम कर पा रहा हूँ और मेरे को खाने पीने में भी कोई दिक्कत नहीं है और मैं पहले से बेहतर महसूस कर पा रहा हूँ।